हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, सामान्य ज्ञान सुबह 9 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गुड। हेलो, अभी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हितेश मिश्रा फिर से आपके साथ हूं एएलपी और ग्रुप डी की रीजनिंग के साथ, एएलपी और ग्रुप डी की रीजनिंग के साथ। और जैसा कि हमारा नारा है, अब रेलवे दूर नहीं, अब रेलवे दूर नहीं, ठीक है डियर। तो हम लोग रेडी हैं इस चीज के लिए कि रेलवे हमारा होगा और जल्दी से जल्दी हम लोग इसमें इन होंगे। तैयार हैं आप लोग? एक बार थम्स अप करके बताइए सब कुछ ओके है, आवाज आ रही है प्रॉपर, हम दिख रहे हैं आपको, एक बार बताइए आ गया साउंड ना। एक्चुअली सौरभ सर 3 दिन छुट्टी मना के आए हैं, तो थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा उत्सुक है कि भाई 3 दिन के बाद ड्यूटी ज्वाइन किए हैं ना, इस वजह से। चलिए तो तैयार हैं आप लोग? स्क्रीन पर व्हाइटनेस ज्यादा है सर, थोड़ा व्हाइटनेस कम करो। चलिए तो आज देखो पजल करेंगे हम लोग। व्हाइट कलर ज्यादा दिख रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लाइट ऑफ करवाओ सर, बच्चों का कमेंट आ रहा है, वहां से करो ना कैमरे से। डियर अभी देखो, अभी ठीक हो गया है? हो गया ठीक। चलो तो देखो, आज हम लोग करने वाले हैं जंबलिंग, जो आपका डिमांड था। जंबलिंग में क्या होता है? जंबलिंग एक छोटा मोटा पजल का ही फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें आप लोग परेशान थे कि सर जंबलिंग करवा दो, जंबलिंग करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। तो आज हम लोग जंबलिंग ही करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जंबलिंग ही करने वाले हैं, और इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करेंगे। क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं और इसको बनाना है। इसमें जो क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से होते हैं? डे बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, फ्लोर बेस्ड दे सकता है आपको, या आपको कुछ भी दिया जा सकता है, टेबुलर बेस्ड दिया जा सकता है, मतलब चीजों को जंबल्ड वे में दिया जा सकता है, आपको उसको सुलझाना है। यही है जंबलिंग, और इसमें कोई खास अंतर नहीं होती है, ठीक है डियर। चीजें क्लियर हैं? कोई परेशानी है इसमें तो बताइए। ओके तो स्टार्ट करें फिर। क्या बात है, देखो आज जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन सारा हिंदी में है, और उसका इंग्लिश हम ट्रांसलेट करेंगे, बोर्ड पे लिख देंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है डियर। या हम उसका इंग्लिश बोल देंगे, आप थोड़ा सा जो है कॉपरेट करिएगा। चीजें क्या हैं कि चीजें ये हैं कि यहां पर जो है हिंदी में ही टाइप है आज, तो शुरू करें आज का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन देख लें डियर आज का, जल्दी बोलो क्वेश्चन लगाएं फिर।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। वाई आर एम जे एंड बी क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन करने का कोशिश करो डियर। इसमें आपको क्या करना है कि नाम जो व्यक्ति का उसको फिक्स करना है, एक तरफ नाम फिक्स कर लेना है और बाकी जो दो वेरिएबल हैं उसको अरेंज करने का कोशिश करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, जो हिंदी वाले नहीं हैं उनके लिए प्रॉब्लम अगर होगा तो ध्यान से सुनिएगा, गुस्सा नहीं करना है, नाराज नहीं होना है। वाई आर एम जे एंड बी है ना, आर हैविंग इन डिफरेंट प्रोफेशन, डिजाइनर, टीचर, इंजीनियर, टेक्नीशियन एंड लेखाकार। ठीक है, मान लो राइटर हैं वो, नहीं अकाउंटेंट, लेखाकार अकाउंटेंट को कहते हैं। यहां पर अगर हम देखें, तथा पांच गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर, टैबलेट एंड कंप्यूटर वो यूज करते हैं। बात समझ गए? दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर एंड टैबलेट। क्वेश्चन इज, एम हैज कैलकुलेटर बट ही इज नॉट अ टीचर एंड टेक्नीशियन। एम जो है वो, उसके पास कैलकुलेटर है बट उसके वो जो है ना ही टीचर है और ना ही वो टेक्नीशियन है। आगे, ठीक है डियर, आगे जो है वो इस प्रकार से है, डिजाइनर के पास टैबलेट है, डिजाइनर हैज टैबलेट, जो भी डिजाइनर है उसके पास टैबलेट है। मोबाइल रखने वाला व्यक्ति ना तो लेखाकार है ना ही शिक्षक। द पर्सन हैविंग मोबाइल इज नाइदर अकाउंटेंट नॉर टीचर। जिसके पास मोबाइल है वो नाइदर अकाउंटेंट है ना ही टीचर है। उसके बाद बोला गया, वाई इज एन इंजीनियर बट ही हैज नाइदर कंप्यूटर नॉर मोबाइल। लेकिन उसके पास ना ही कंप्यूटर है ना ही मोबाइल है। उसके बाद दिया गया है, जे इज टेक्नीशियन एंड बी इज नॉट अ टीचर। बी जो है टीचर नहीं है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे, वो सीखते हैं हम लोग। ठीक है डियर, ओके स्टार्ट करें फिर। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला गया, देखिए यहां पर आपको यह बोला गया है कि सबसे पहले आप व्यक्ति को सेट कर लीजिए। नाम जो है, नाम हमने रख लिया नेम, ध्यान से देखिएगा सीखिएगा कैसे है। ठीक है, उसको जो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दो उधर। यहां पर नाम इस प्रकार से दिया गया है, एम बी, ठीक है, एम बी आर वाई और जे, ये इस प्रकार से नेमिंग है। ठीक है डियर, ये इस प्रकार से नेमिंग है। और अगर हम देखें तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, गैजेट, और क्या दिया हुआ है भाई, तो प्रोफेशन, वो किस में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ रहे हो आप। बफरिंग हो रही है क्या सर? चलिए यहां पर अगर हम देखें, एक बार लाना वायरकास्ट। चलिए तो यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले क्या बोला गया, एम के पास कैलकुलेटर है बट वो टीचर और टेक्नीशियन नहीं है। इसके पास है कैलकुलेटर बट ये टीचर भी नहीं है और इसके पास ये कौन क्या नहीं है, और साथ में ये बोला गया इसमें कि टीचर तो है ही नहीं और साथ में वो टेक्नीशियन भी नहीं है, ये दोनों वो नहीं है। इसके बाद दिया गया है कि डिजाइनर के पास टैबलेट है, डिजाइनर जो भी होगा उसके पास टैबलेट है, ये बोला गया है। उसके बाद बोला गया है, मोबाइल रखने वाला व्यक्ति ना तो लेखाकार है ना ही टीचर है। मोबाइल वाला जो है ना ही अकाउंटेंट है ना ही टीचर है। उसके बाद बोला गया है कि वाई अभियंता है, वाई जो है वो क्या है, इंजीनियर, वाई इंजीनियर है और ना तो इसके पास कंप्यूटर है ना ही मोबाइल है। इसके पास कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है। फिर क्या बोला गया आपको, जे टेक्नीशियन है, जे जो है वो टेक्नीशियन है, जे टेक्नीशियन है। बी शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक, अच्छा प्रोफेशन उस तरफ होना चाहिए, मैंने इधर रख दिया, इधर टेक्नीशियन है, ठीक है, और इधर जो है वो इंजीनियर है। तो यहां बोला गया है कि बी जो है ये कैलकुलेटर यूज करता है ना, बी टीचर नहीं है और ये भी टीचर नहीं है, तो टीचर ये हो जाएगा,
ठीक है डियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़े फिर। थोड़ा और छोटा कर दो, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहे बच्चे, कह रहे हैं वो ब्लर हो रहा है बहुत ज्यादा। जे टेक्नीशियन है, बी शिक्षक नहीं है, वाई अभियंता है, ठीक है, यहां पर चीजें क्लियर हैं। अब देखो ये दोनों टीचर नहीं था, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है कि जो कैलकुलेटर यूज करता है ना, अब यहां पर अब आगे कैसे क्लियर करिएगा, जे टेक्नीशियन नहीं है भाई, सब यहां बोला गया। अब कैलकुलेटर वाला कौन क्या होगा वो, तो यहां पर अगर हम देखें वो टीचर और टेक्नीशियन है नहीं, तो उसका प्रोफेशन फिर क्या हो जाएगा, वो अकाउंटेंट हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटेंट मोबाइल यूज नहीं करता है, तो इसको आप कहां बिठा देंगे, अकाउंटेंट में। और अगर ये अकाउंटेंट हो जाएगा तो आपके पास एक कौन बच गया, डिजाइनर, तो डिजाइनर फिर यहां हो जाएगा, है ना। अगर डिजाइनर यहां हो जाएगा तो आप देखो डिजाइनर टैबलेट यूज करता है, यहां टैबलेट हो गया, डिजाइनर जो है टैबलेट यूज करता है, यहां टैबलेट हो गया। फिर क्या बोला गया, ये कंप्यूटर यूज नहीं करता ना ही मोबाइल। और जो यहां पर अगर हम देखें ये वाला काम आपका हो गया है, अब ये कंप्यूटर मोबाइल नहीं यूज करता है, तो आप क्या करेंगे, अब बताइए। यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला भी काम हो गया, कैलकुलेटर, अकाउंटेंट, टैबलेट, डिजाइनर, अब ये कंप्यूटर मोबाइल नहीं यूज करता है, तो या तो टीचर करेगा और या तो कौन करेगा, या तो टेक्नीशियन करेगा, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें जो कैलकुलेटर वाला है शिक्षक टेक्नीशियन नहीं था, डिजाइनर के पास टैबलेट है, मोबाइल रखने वाला व्यक्ति ना तो लेखाकार है ना ही शिक्षक है, तो मोबाइल फिर यहां आ गया, है ना, और कंप्यूटर फिर यहां आ गया, और एक क्या बच गया हमारे पास, एक हमारे पास बच गया क्या, लैपटॉप, तो लैपटॉप यहां आ गया। तो ये था प्रश्न सर पहला, लगाइए प्रश्न इसके ऊपर। पहला है कि लेखाकार के पास क्या है, पहला प्रश्न आपके सामने डियर, इसका आंसर देखिए क्या होगा। यहां पर डियर लिखा गया है, अच्छा जे अभियंता लिख दिया गया डियर, जे तकनीशियन है, यहां पर एक लाइन छोड़ दिया इसने, इतने दिन बाद यार नयन से, डियर देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एम के पास कैलकुलेटर है, एम के पास कैलकुलेटर है ना ही वो, तुम्हें एक बार वहां मैच कराना, एम के पास कैलकुलेटर है तथा ना ही वो शिक्षक है ना ही तकनीशियन है, उसके बाद डिजाइनर के पास टैबलेट है, मोबाइल रखने वाला व्यक्ति ना तो लेखाकार है ना ही शिक्षक है, वाई अभियंता है, जे तकनीशियन है तथा बी शिक्षक नहीं है, और ये वाला लाइन छोड़ दिया उसने, बी अभियंता है, उसके पास ना तो कंप्यूटर है ना ही मोबाइल, दिस लाइन इज मिसिंग डियर, एक लाइन मिसिंग है इस क्वेश्चन में, सॉरी फॉर द मिस्टेक। क्वेश्चन मिसिंग था डियर, क्वेश्चन मिसिंग था, क्वेश्चन फिर से लगा दिया हो गया, नहीं नहीं हटा दो डियर, यहां पे एक लाइन मिसिंग है, यहां पर ये लाइन नहीं लिखा गया है कि वाई अभियंता है, उसके पास ना तो कंप्यूटर है ना ही मोबाइल, यहां हम लिख देते हैं वाई अभियंता है, उसके पास ना तो कंप्यूटर है ना ही मोबाइल। डियर आई विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी हम बोल दिया करेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपको क्वेश्चन हम बोल दिया करेंगे। चलिए क्वेश्चन मैच करो, ये वाला पूरा अच्छे से लिखा है कि नहीं, उसके बाद यहां तक क्लियर है, इंग्लिश में भी करवाएंगे, परेशान मत होइए, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, मूड ऑफ नहीं करना है, मूड ऑफ नहीं करना है बिल्कुल भी। आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की भी क्लास होगी डियर, डोंट वरी फॉर दैट, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, डोंट वरी, अब एग्जाम क्वेश्चन करेक्ट होगा वही देंगे आपके सामने, बिल्कुल भी परेशान मत होइए।
ये यहाँ पर मिसिंग था कि वाई अभियंता है उसके पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल, और लास्ट जो लाइन था वो था जे टेक्नीशियन है, जे जो है वो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन है, जे जो है वो क्या है, टेक्नीशियन है, ठीक है डियर, ओके, फिर मिसिंग है, अगला प्रश्न फ्लोर बेस है वो देते हैं आपको, लगाइए सर क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, अच्छा नहीं, इसमें जो है आठ मित्र हैं, सात मित्र हैं, सात अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं और सात अलग अलग विषय उनको पसंद है, सात मित्र हैं, सात अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं, ये तो नहीं है, मित्र वाला, हाँ सात मित्र हैं, सात अलग अलग विषय में उनको पसंद है और वो अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा डियर, क्वेश्चन आपके पास जो है फ्लैश हो गया होगा, सात मित्र एबीसीडी, ध्यान से सुनो हिंदी वालों, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, सात मित्र तुम्हें, थिंग हो गई थी, फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, क्वेश्चन लगा दो सर, वो नहीं, हाँ गुड, सात मित्र वाला, आवाज मिसिंग है डियर, आवाज कहां से आएगी जब मिसिंग हो गया सब कुछ, तो अभी आवाज आ रही है ना, फिर अटक गया है, अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, इंग्लिश में हम डिक्टेट कर रहे हैं, आ रहा आ रहा, अभी डियर दिख रहा है आप लोगों को, हेलो, हाँ चलो फाइनली आ गया, क्वेश्चन आ गया डियर, इंग्लिश में मैं स्पीक कर रहा हूं, देखो, ए लाइक्स मैथ्स एंड ही स्टडीज इन क्लास फाइव, ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि विथ वन फ्रेंड हु लाइक्स मराठी, आई स्टडीज विथ टू मोर फ्रेंड्स हु लाइक्स लैंग्वेजेस, लैंग्वेज मतलब आइदर हिंदी मराठी और इंग्लिश, फिर बोला गया डी इज इन क्लास सिक्स एंड स्टडीज ओनली विथ वन फ्रेंड एंड ही डज नॉट लाइक सिविक्स और यू कैन से नागरिक शास्त्र, ई स्टडीज ओनली विथ वन फ्रेंड, वह जिसे इतिहास पसंद है, दोज हु लाइक्स हिस्ट्री, द वन हु लाइक्स हिस्ट्री स्टडीज नाइदर इन क्लास फाइव और सिक्स, ई डज नॉट लाइक एली लैंग्वेजेस, सी लाइक्स इंग्लिश, है ना, सॉरी सी डज नॉट लाइक इंग्लिश हिंदी और सिविक्स, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने इंग्लिश में डिक्टेट कर दिया डियर, इंग्लिश में मैंने डिक्टेट कर दिया, इसको देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में डिक्टेट कर दिया हमने,
ब्लर हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? अरे एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, पिक्सल घटा बढ़ा लीजिए, हो सकता है ठीक हो जाए। ठीक है, चलिए तो यहां पर इसको हम बता दें क्या, क्वेश्चन को हिंदी में है, ए को गणित पसंद है, वह कक्षा पांच में पढ़ता है, अपने उस मित्र के साथ जिसे मराठी पसंद है, आई दो अन्य मित्र के साथ पढ़ता है, जो दो मित्र आई के साथ पढ़ते हैं उन्हें भाषा पसंद है, यहाँ भाषा केवल हिंदी मराठी तथा अंग्रेजी है, डी कक्षा छः में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है तथा उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है, ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, वह जिसे इतिहास पसंद है वह कक्षा पाँच या छः में नहीं पढ़ता है, ई को कोई भाषा पसंद नहीं है, सी को अंग्रेजी हिंदी तथा नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। चलिए तो ये क्वेश्चन है डियर, इसका आप वर्किंग कर दें, पहला क्वेश्चन लगवा दें आपके सामने, बोलाओ जल्दी बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा दें। पहला प्रश्न है कि निम्न में से आई का पसंदीदा विषय कौन सा है, आई का पसंदीदा विषय कौन सा है, विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड बाय आई, कौन सा सब्जेक्ट आई के द्वारा पसंद किया जाता है, इसको बताइए डियर क्या लग रहा है आपको। अच्छा एक्सप्लेन कर दें, बता दें पहले, फिर से बच्चे कह रहे व्हाइट आ रहा है, चलो क्वेश्चन पहला आ गया आपके सामने, विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड बाय आई, आइदर मतलब हिस्ट्री सिविक्स मराठी, आइदर इंग्लिश और मराठी, आइदर इंग्लिश और हिंदी, आपको क्या लग रहा है, आप इसका आंसर करें बच्चे, क्या लग रहा है आपको, तो मैं बता दूं क्या, चलो ठीक है हम बताते हैं आपको, एक दिन मैनेज करो यार, एक दिन हिंदी में क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में रोज रहता है, एक दिन अगर हिंदी में है, मैं डिक्टेट तो कर ही रहा हूं आपको, परेशान क्यों होना है बताइए, परेशान मत होइए। अरे टीवी ठीक, यहां पर देख लेते हैं इसको कैसे होगा, क्वेश्चन लगा देते हैं, क्वेश्चन लगाना सर, क्वेश्चन छोटा करके लगाओ, जो शुरू में इसके पहले लगा था, अरे इसका क्वेश्चन जो था डायरेक्शन, इसको छोटा कर दो और छोटा करो, ओह हाँ ठीक है चलो, अभी क्वेश्चन बता रहे हैं डियर, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो अब आ जाएगा जब हम बताएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है देख लें क्वेश्चन को। देखो यहां पर बोला गया है, सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, ठीक है नेम लिख लेते हैं, सबसे पहले नेम ए बी सी डी और क्या है भाई ई जी और आई, ये इस प्रकार से नाम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तो यहां पर अगर हम देखें कैसे करेंगे, नाम दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है आपको, क्लास और सब्जेक्ट है ना, क्लास और सब्जेक्ट, तो आप देखिए कैसे हुआ, बोला गया ए को गणित पसंद है और वह कक्षा पांच में पढ़ता है, ए जो है क्लास फाइव में पढ़ता है और ही लाइक्स मैथ्स, ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि अपने उस एक दोस्त के साथ जिसे मराठी पसंद है, मतलब इसके साथ जो भी पढ़ा होगा वो मराठी पसंद करता होगा मराठी, उसके बाद दिया गया है कि आई दो अन्य मित्रों के साथ पढ़ता है, जो दो अन्य मित्र आई के साथ पढ़ते हैं उसको लैंग्वेजेस पसंद है, मतलब आई के साथ जो भी पढ़ता है वो तीन स्कूल में पढ़, मतलब चूंकि ये लोग पांच छह और सात में पढ़ते हैं, तो ए जो है एक ही दोस्त के साथ पढ़ता है लेकिन आई जो है दो और दोस्तों के साथ पढ़ता है, ठीक है डियर यहां तक कोई परेशानी नहीं है आपको। आगे ये बोला गया यहां पर
के और उन्हें भाषा पसंद है। तो यहां पर अगर हम देखें, फिर बोला गया है कि डी कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है। डी जो है कक्षा 6 में है, ठीक है, केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है और तथा उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है, तथा उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें सिविक्स उसको पसंद नहीं है, ठीक है डियर। फिर क्या बोला गया भाई कि ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है और वह जिसे इतिहास पसंद है। ई जो है उसके साथ पढ़ता है जिसे इतिहास पसंद है, तो ई जो है हिस्ट्री वाले के साथ पढ़ता है। यहां पर समझ में आ रही है बातें। फिर आपको बोला गया कि कक्षा 5 या 6 में नहीं पढ़ता है। कौन? ई कक्षा 5-6 में नहीं पढ़ता है तो किस में पढ़ेगा? वो 7 में। इसका मतलब आई भी 7 में है ना, कक्षा 7 में ई भी है आई भी है। और यहां पर बोल दिया ए के साथ जो भी है वह 5 में होगा और डी के साथ जो भी होगा वह 6 में होगा। फिर आपको क्या बोला गया, ई को कोई भाषा पसंद नहीं है। तो ई को जब भाषा पसंद नहीं है इसका मतलब जो है इसका मतलब वो 5 में नहीं पढ़ता होगा, वो किस में? 7 में पढ़ता है। और वो भाषा पसंद नहीं है मतलब क्या हो गया कि ना तो वो हिंदी, ना ही वो मराठी, और ना ही वो और सा कौन सा है, मराठी हिंदी और कौन सा है भाई, इंग्लिश, ये तीनों में कोई भी पसंद नहीं करता होगा, उसको भाषा पसंद है ही नहीं। फिर बोला गया सी को अंग्रेजी, हिंदी तथा नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। सी को जो है इंग्लिश, हिंदी और नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स पसंद नहीं है। तो अगर हम देखें अब क्या हो सकता है, ए जो है 5 और गणित, ए 5 और गणित हो गया। बी के बारे में अगर हम बात करें तो बी का अब लैंग्वेज बचेगा, क्योंकि यहां हम देख पा रहे हैं कि ये ए के साथ पढ़ता है, तो अब क्या हो सकता है, ए के साथ और कौन पढ़ेगा, सबसे पहला प्रश्न ये है। और क्योंकि ये इसके साथ जो भी पढ़ता है उसको लैंग्वेज पसंद है ए के साथ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए के साथ वाला लैंग्वेज है तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। लेकिन सी को इंग्लिश हिंदी नहीं पसंद है, लेकिन मराठी तो पसंद कर सकता है वो, क्योंकि बोल दिया इसके साथ जो भी पढ़ेगा वो मराठी पसंद करता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो डी के बारे में बोला गया सिविक्स पसंद नहीं करता है, ई के बारे में उसको हिंदी इंग्लिश मराठी नहीं पसंद है, जी के बारे में कोई बात नहीं किया गया। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो आई के साथ 2 अन्य मित्र पढ़ा और जो पसंद है उसको, 2 अन्य मित्र जो है उन्हें भाषा पसंद है, आई वालों के साथ जो पढ़ता है उसको भाषा पसंद है, ये भी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आई, जी और बी जो है ये भाषा इसको पसंद है नहीं, ठीक है, इसको भाषा पसंद है नहीं। तो ई जो है वो 7 में नहीं पढ़ेगा, ई जो है इसका मतलब 6 में ही पढ़ेगा, क्योंकि इसको भाषा पसंद नहीं है और इसका जो फ्रेंड है उसको भाषा पसंद है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी जो है फिर ये 5 में पढ़ेगा और ये फिर ये 7 में पढ़ेगा, ये भी 7 में पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है ई को भाषा पसंद नहीं है इसलिए वो इसके साथ नहीं आ पाएगा। ये भी 7 हो गया, ये 7, ये दोनों 5। अब बात है कि सी को फिर मराठी पसंद हो जाएगा, सी को क्या पसंद हो जाएगा, मराठी। और यहां पर बोल दिया गया है सी को मराठी पसंद हो गया, क्लियर डियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये 5, 7, 5, 6, 6, 7 और 7 ये तो क्लास हो गया, इसके बाद मैथ्स और मराठी हो गया। यहां पर अगर हम देखें इसका वाला काम हो गया खत्म, सिविक्स इसको भी नहीं पसंद है तो सिविक्स किसको पसंद हो जाएगा फिर, सिविक्स अगर हम देखें इसको हिस्ट्री पसंद है, इसको क्या पसंद है, हिस्ट्री। तो यहां पर अगर हम देखें हिस्ट्री पसंद हो गया, ई उसके साथ नहीं पढ़ता जिसे हिस्ट्री पसंद है, यह बात बोला गया था। तो यहां पर अगर हम देखें आई को हिस्ट्री पसंद हो गया, तो अब हिंदी और मराठी जो है इन्हीं दोनों को पसंद होगा, किसी को हिंदी या इंग्लिश, यहां भी हिंदी या इंग्लिश। अब इसको सिविक्स पसंद नहीं है तो सिविक्स इसको पसंद हो गया, ठीक है, और एक सब्जेक्ट आपका क्या बच गया, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स इसको पसंद हो गया। तो ये इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जिसको आपको बनाना पड़ेगा।
क्वेश्चन फिर से बता दें आप लोगों को, बताइए क्वेश्चन फिर से बता दें। चलो फिर से बता देते हैं, परेशान मत हो, समझ नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन है, डोंट वरी, समझ नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन है, आप परेशान मत होइए। देखिए समझ नहीं आया फिर से बता देते हैं, चलिए समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम बता देते हैं इसको फिर से, परेशान नहीं होना आपको। क्वेश्चन लगा दीजिए सर बगल में, हाँ कोई थोड़ा सा बड़ा कर दो उसको। तो यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले नाम हम लिख लेते हैं, चलो देखो ध्यान से देखो, परेशान नहीं होना, ए बी सी डी ई एफ, ई नहीं एफ नहीं है, जी और आई, यही है नाम, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। नेम ये हो गया, क्लास और सब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, और डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, आराम से देखिए फिर से बता रहे हैं, ठीक है इसको फिर से बता रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, टाइम वेस्ट हो रहा है डियर, मुझे भी पता है, लेकिन क्या करें, टेक्निकल इशू है, हम क्या कर सकते हैं बताओ, बोलो, मैं फिर से बता रहा हूं ना, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। देखो यहां पर चीजों को समझना, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वैसे यहां पर सबसे पहले बोला गया ए को गणित पसंद है और वह कक्षा 5 में पढ़ता है, ए लाइक्स मैथ्स और वो कक्षा 5 में पढ़ता है। फिर यहां पर बोला गया है कि अपने उस मित्र के साथ जिसे मराठी पसंद है, ए उस मित्र के साथ पढ़ेगा जिसको मराठी पसंद है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि आई दो अन्य मित्रों के साथ पढ़ता है, आई के साथ दो और फ्रेंड पढ़ते हैं, आई प्लस 2 और ए प्लस 1 है। फिर बोला गया है कि और आई के साथ जो पढ़ते हैं उसे भाषा पसंद है, मतलब आई के साथ जो भी जाएगा उसको भाषा पसंद है। फिर बोला गया कि अब भाषा पसंद की बात है तो या तो इंग्लिश या हिंदी होगा, क्योंकि ए के साथ मराठी जा चुका है, ए के साथ मराठी जा चुका है तो आई के साथ या तो इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मराठी तो ए के साथ जा चुका है, यहां तक क्लियर है, मतलब इसके साथ या तो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। अब आगे देखिए, फिर बोला गया कि डी कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, डी कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, ठीक है, मतलब प्लस 1। फिर यहां पर बोला गया और उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है, इसको सिविक्स जो है पसंद नहीं है। फिर बोला गया यहां पे कि ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ई जो है या तो 6 में पढ़ेगा या 5 में पढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। और वह जिसे इतिहास पसंद है कक्षा 5 या 6 में नहीं पढ़ता है, तो इसका मतलब वो 7 में पढ़ेगा, इतिहास वाला 5 या 6 में नहीं पढ़ता है, और 5 वाला भी 2 है, 6 वाला भी 2 है, तो इसका मतलब 7 वाला ई हो जाएगा, है ना, और इसको हम हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चीजों को समझिए, क्योंकि यहां बोल दिया है कि यहां पर ना तो वो 5 में पढ़ता है ना 6 में, और आई के साथ 2 जो और है वो सिर्फ भाषा पसंद करता है, और भाषा का मतलब या तो हिंदी या तो इंग्लिश, क्योंकि मराठी बुक हो चुका है ए के दोस्त के द्वारा। यहां तक क्लियर है डियर, कोई परेशानी नहीं, चीजों को समझ रहे हैं आप। चलिए आगे देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो बोला गया ई को भाषा पसंद नहीं है। अब देखो एक चीज गौर करो, ई को भाषा पसंद नहीं है, इसका मतलब वो 5 में नहीं पढ़ के 6 में पढ़ेगा, 5 में नहीं पढ़ के 6 में पढ़ेगा, ठीक है डियर। ई जो है भाषा पसंद नहीं करता है, और 5 वाला जो अन्य है वो भाषा ही पसंद करेगा, तो यहां तक भी क्लियर है। फिर बोल दिया गया कि सी को अंग्रेजी तथा हिंदी तथा नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है, इसका मतलब ये 5 में पढ़ेगा और मराठी पसंद होगा इसको, है ना, इंग्लिश हिंदी पसंद नहीं है, इसका मतलब वो 7 में जा ही नहीं सकता, इसका मतलब 7 में ये जाएगा, 7 में ये जाएगा, इसमें या तो हिंदी होगा या इंग्लिश, इसमें या तो हिंदी होगा या इंग्लिश, अब बच गया ये दोनों 6 और 6, इसको सिविक्स नहीं पसंद है तो सिविक्स इसको पसंद हो जाएगा, और इसको क्या पसंद हो जाएगा, इकोनॉमिक्स। तो आपका आंसर इस प्रकार से हो गया, क्लियर है ये, कोई परेशानी है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, चीजों को समझ रहे हैं आप, ये अब समझ में आ गया ना, एकदम आसान था, आप लोग नाराज हो जाते हैं तुरंत, नाराज मत होया करिए, और आज के लिए इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, आगे और भी डिस्टरबेंस हो सकता है, इसी वजह से आज जो है क्लास को यहीं तक रखेंगे,
आज जो है यहीं तक रखिए, कल फिर कनेक्ट होंगे इंग्लिश हिंदी दोनों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, कल इंग्लिश भी रहेगा हिंदी भी रहेगा। आज के लिए माफी जोड़ते हैं हाथ मतलब लगा के, और बच्चे भी नाराज होके चले गए, मात्र 500-600 बच्चा देख रहा है। रेलवे में ऐसा कभी हो नहीं सकता है, 1500 से 2000 बच्चा हमेशा रहता है। तो आज चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, 2-2 बार वीडियो अटक गया है ना, और नेटवर्क चला गया, बफरिंग होने लगी, इस वजह से आप इरिटेट ना हो ज्यादा। ये क्वेश्चन हम समझा दिए हैं आपको, बिल्कुल नाराज मत होइए। अगले दिन मतलब कल सुबह 10 बजे नए जोश, नए एनर्जी, नई ताकत के साथ मिलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब बढ़िए, खूब पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।